आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छतरपुर शहर के नारायणपुर रोड स्थित महाराजा गार्डन में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा मंच पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह चंदला से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के अलावा अनेक भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान जिले भर से किसान भाई भी उपस्थित रहे। इस पूरे आयोजन में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों की योजनाओं के बारे में सभी किसान भाइयों को अवगत कराया गया। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह का कहना था कि मैं किसानों के मुद्दों को लगातार उठाता रहता हूं, आगे भी उठाऊंगा और जो भी उनकी बात होती है उसे सरकार तक पहुंचाने का काम अनवरत रूप से करता हूं। इस दौरान जिला अध्यक्ष बॉबी सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट। सर देखिए, आज किस तरह का छतरपुर में कार्यक्रम किया गया है और इसका लक्ष्य क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा छतरपुर की जिला इकाई द्वारा यहां पर किसान सम्मेलन आहूत किया गया था और इसमें हमारे जिले के समस्त नवनियुक्त पदाधिकारीगण, मंडलों के पदाधिकारीगण, हमारे संयोजक और प्रभारी सबको बुलाकर, हमारे प्रदेश से भी प्रभारी, हमारे जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमारा परिवार, वो सब यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और आगामी किसान मोर्चा की नीतियों को लेकर जो हमने लक्ष्य बनाया है कि नीचे संयोजक और सह संयोजक तक और आगामी जो भी नीतियाँ गाँव आधारित, जो किसान आधारित बन रही हैं, उनका न केवल प्रचार प्रसार करना बल्कि जनता को सही नीतियों और हितग्राहियों को वास्तविकता बताकर उन तक पहुंचाने का काम किसान मोर्चा करेगा। देश की यशस्वी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान और गांव के भले के लिए लागत का 1.5 गुना मूल्य देकर निश्चित ही किसान को खेती को फायदे का धंधे बना रहा है और जो किसान खेती से दूर हो रहा था वापस मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में फिर से आएगा। एक किसान ज़्यादातर परेशान बिजली को लेकर है, किसान मोर्चा किस तरह से उनके हितों के लिए लड़ाई होगी? निश्चित ही बिजली को लेकर अभी भी हमारी इसी सप्ताह में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय बिजली मंत्री से चर्चा गहरी हुई है और साथ में पूरे अधिकारियों को निर्देश दिए गए, क्योंकि इस बार कोयले का पूरे देश के अंदर संकट था लेकिन मध्य प्रदेश उस संकट से उभर रहा और अभी बिजली के जो अव्यवस्था थोड़ी दिन दिखाई दी थी वो फिर व्यवस्थित हो रही है और किसान को सुचारू बिजली दी जाएगी। मानो की खबर बार बार प्रकाशित की जा रही है कि इन थानों में अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है, इसको लेकर किसानों को भी काफ़ी परेशान किया जाता है क्योंकि किसानों की वहाँ ज़मीनें पड़ती हैं, ट्रैक्टर वगैरह निकलते हैं, इसको लेकर क्या आप करेंगे किसानों की हाथ के लिए? मध्य प्रदेश में कोई भी अवैध काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, इसके लिए आप सबने देखा, आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश और देश को पता चल रहा है, जो कोई भी गलत काम करेगा उसको दंडित किया जाएगा। नीति से बाहर कोई भी नहीं है, इसको बर्दाश्त, आपके माध्यम से कोई भी खबर लग रही है हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तो उसको यथोचित स्थान पे पहुंचाकर और उनको दंडित करवाने का काम करें। बॉबी राजे जी, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है और इसका लक्ष्य क्या था इस कार्यक्रम में? आज यहाँ पे किसान सम्मेलन रखा गया है जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी जी शामिल हुए और जिले के सभी विधायक विधायक और यहाँ किसान सम्मेलन रखा गया था जो कि किसान हितैषी योजनाओं का उनको उनको बताई गई और किसान हितैषी सरकार के लिए आगे बढ़ाया गया। ब्लॉक स्तर पर, जमीन स्तर पर किसान मोर्चा क्या काम करेगा? किसान हितैषी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का कार्य। आपका एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव जी और पुष्पेंद्र प्रताप सिंह उस कार्यक्रम में दौरान में थे, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली गई उसमें ललिता यादव की फोटो पर एक व्हाइटनर पोता गया है, उस पोस्ट को लेकर क्या इसमें जैसे जानकारी लगी उसमें देखी तो देखने के बाद जो समझ में आया कि किसी न किसी ने त्रुटि की है, बार बार एक है ऐसी समस्याएं आ जाती हैं तो अपन ने एक दिन बैठा के सबको समझाया बुझाया, सम्माननीय मुकेश नायक जी थे, अपने सौभाग्य प्रभारी और अपने अवधेश नायक जी भी थे जिला प्रभारी, सबके बीच में बैठा के फिर इसी बात पर चर्चा हुई, मंथन हुई और सबको एक करने का पूरा प्रयास है, सभी लोग एक ही रहे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पोस्ट वो अभी भी डिलीट, अब वो अभी डिलीट हो जाएगी अगर नहीं डिलीट हुई तो अभी